हेलो समस्त को पुणी स्वागत करुची एसिड बेस सॉल्ट पार्ट टू को पार्ट वन जाइथिला पार्ट टू वर्तमान आसिला सेटा हब एसिड बेस रो पीएच निरूपण पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस पीएच एक द्रवण रे थिबा एच प्लस आयन रो गाढ़ता को सहजरे पीएच स्केल माध्यम रे प्रकाश करा जाए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन रो गाढ़ता हाइड्रोजन आयन आई रिपीट हाइड्रोजन आयन एसिड हो पारे बेस हो पारे जहाँ भी हो पारे हाइड्रोजन आयन सब द्रवण रे अछि जलीय द्रवण रे हाइड्रोजन आयन अछि ओएच माइनस आयन बी अछि सेटा मजा जिनस आमे एटी बुझिबा एक द्रवण अम्लीय गुण ओ क्षारिय गुण केते अधिका बा केते कम ताहा पीएच द्वारा मपा जाए पी शब्दटा हला पोटेंज पाई जोड़ा जर्मन वर्ड पोटेंज रो अर्थ होची पावर ता माने द्रवण रे पीएच माने द्रवण रे हाइड्रोजन आयन रो जो गाढ़ता बा तार जो पावर को पीएच द्वारा मपा जाए गाढ़ता को मोलारिटी द्वारा प्रकाश करा जाए केते द्रवण रे केते द्रव अछि केते लीटर गोटे लीटर द्रवण रे जलीय द्रवण रे केते मोल अछि द्रव सेटा तार मोलारिटी तेणु कंसेंट्रेशन टाकु साधारणतः मोलारिटी आकार रे प्रकाश करा जाए आमे ताकु भी डिस्कशन करिबा डिटेल्स मोलारिटी कहाँ को कहती मोलारिटी कहती नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें तो मोल कनसेप्ट मास्टरी आनी सारे मोल कनसेप्ट होची फंडामेंटल आमर केमिस्ट्री रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर बा 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन 1 लीटर द्रवण रे जलीय द्रवण रे केते मोल द्रव अछि सेटा हला तार सॉल्यूशन रो मोलारिटी हला 1909 मसीहा रे सोरेनसेन रे डेनमार्क रो साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट सीए पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस करथिले फॉर इजी एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कोटा बेसी पावर अधिका गोटे सल्यूसन हाइड्रोजन आयन रो पावर आर कम ताकु गोटे छोट नंबर रे 2, 3, 2.5, 3.5 एमती छोट नंबर द्वारा से इजिली प्रकाश करिबा पाई गोटे मेथड बटेले पीएच स्केल देले एवं सेटा केवल वैलिड कहा पाई ना डाइल्यूट सल्यूसन पाई लघु द्रवण पाई 10^-3 एम रु कम आमे ताकु आमे आनी परिवा 1 एम पर्यंत भी आमे आनी परिवा किंतु सेटा सीए डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई से स्केल टा बाहर कले राइट आमे ताकु टिके 0.1 पर्यंत मध्य आमे नेई परिवा वर्तमान चलो आगु को जीवा मोलारिटी विषय टिके आलोचना करिवा 1 एम सॉल्यूशन रो अर्थ कौन तर सल्फ्यूरिक एसिड रो गोटे 1 मोलार सॉल्यूशन तैयारी कली ता अर्थ कौन ना गोटे लीटर सॉल्यूशन रे लीटर सल्यूसन माने द्रव द्रावक मिसिकरी गोटे लिटर द्रवण रे गोटे मोल सल्फ्यूरिक एसिड अछि बा 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड अछि सेटा हला 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड जदि 0.5 एम मु कहिबी त माने गोटे लिटर सल्यूसन रे 0.5 मोल अछि 49 ग्राम साधारण कथा सेम थर मु कहिबी 0.5 एम सल्यूसन ऑफ एसिटिक एसिड कहिबी त माने गोटे लिटर द्रवण रे 0.5 मोल एसिटिक एसिड अछि एसिटिक एसिड रो मोलार मास जदि 60 हुए ताले 0.5 मोल होची 30 ग्राम सो 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व हेची टू प्रोड्यूस ए 1 लीटर सॉल्यूशन सेटा तारो मोलारिटी हला 0.5 एम सेमति 0.1 एम 0.25 एम सेमति बुझी जीवो तमे सो भलो पिला सो जे कोनोसी द्रवर मोलारिटी को एक वर्ग बंधनी द्वारा प्रकाश करा जाय वर्ग बंधनी भितरे जहाँ लिखिबे एच प्लस आयन लेख कि पूरा एसिड पूराटा लेख जदि एसिटिक एसिड पूरा ता भितर लेखिबी ताले सेटा हला एसिटिक एसिड रो मोलारिटी खाली जदि एच प्लस आयन लेखिबी सेटा होची एच प्लस आयन रो मोलारिटी से दुटा को समान होई पारे न होई पारे ब्राकेट भितरे जोटा लेखिबो तार गाढ़ता सेई भली द्रवण रे थिबा एच प्लस आयन रो मोलारिटी ब्राकेट स्क्वायर ब्राकेट बा वर्ग बंधनी भितरे लेखा जाए एच प्लस तहार मान एक एसिड और बेस द्रवण रो पावर दर्शाई थाए यार जदि एटा अधिका थिबो ताले से एसिडटा मोर पावरफुल आ कम थिबो एसिडटा लेस पावरफुल एटा एच प्लस आयन रो
आम देखा एच प्लस आयन रढ़ता सांगे एसीड्र गाढ़ता संपर्क कौन से माने एका कि एक नुहे अलग अलग से देखा। देखो पीएच डेफिनेशन है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन मोलारिटी टू दि बेस 10। परवर्ती काल में बड़ हेले जानिबो एटा एक्चुअली मोलारिटी जगह एक्टिविटी निया जाए वर्तमान तुम पाई मोलारिटी टू दि बेस 10। जो माने लॉग लॉगरिथम विषय सम्यक तुम धारणा ना केमती लॉग टेबल यूज करवा केमती एंटी लॉग टेबल यूज करवा टिके मोर आ पूर्वर मु गोटे वीडियो पब्लिश करी यूट्यूब तुम्हें ताकू देखी नियो लॉगरिथम ओ लॉग टेबल रो प्रयोग सेटा देखी नियो देखिले तुम आइडियाटा क्लीयर होदि तुम्हें लॉग उपरे तुम मास्टरी ना पीएच भली गोटे द्रवण में ओएच माइनस आयन गाढ़ता को मापापी तार पावर को मापापी पीओएच स्केल व्यवहार करपर कि बेसी पॉपुलर नुहे पीओएच स्केलटा पीएच भाया आम कर एका जिनस पीओएच है माइनस लग अफ हाइड्रोक्साइड आयन कनसेन्ट्रेसन टू दि बेस 10 राइट। सो तक गोटे एक्जामपल मुझे धर गोटे सल्यूसन एच प्लस आयन रन एसीड्र गाढ़ता सांगे एच प्लस आयन सामान हो नई पारे एच प्लस आयन रढ़ता मुझे तुमको देदेली धर 10^-2m 0.01m ताले तार पीएच के पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10^-2 तो जो जान ये जो एन जो पावर टाइटिक पलै आसे यो 10^-2 जो पावर थाए से पावर टाइपट को पलै आसे लॉग ए टू दि पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए बेसटा तो सब बड़े 10 आम जिते अंक करवा 10 किसी लेखाही मान 10 बेसटा 10 है तो बर्तमान माइनस टू ये माइनस 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 प्लस हो गला लॉग 10^-10 1 लॉग एनीथिंग टू दि बेस सेम थिंग विल बी इक्वल टू 1 सो ये हो गला 2 टू टा ये आसला बोली माइनस माइनस 2 सो पीएचटा को ए सल्यूसन रहा हाइड्रोजन आयन मोलारिटी 0.01/10^-2m तार पीएच हूँ 2। अच्छा टूटा तुमको भल लगुच ना 10^-2 कह भल लगुच यहीटा सिना गोटे नम टू बिल छिड़गला किंतु धर 2.2, 2.5, 2.7 सीटा बेटर ना 10^-2.7 कहटा बेटर से गोटे सिंपल नंबर में प्रकाश करने डायल्यूट सल्यूसन रेणुक माइनस नि डायल्यूट सल्यूसन सल्यूसन गाढ़ता मोलारिटी 10^-1 समथिंग सो माइनस को प्लस करने माइनस डेफिनेशन रे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू दि बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोलारिटी सेम धर गोटे सल्यूसन मोलारिटी ओएच माइनस आयन मोलारिटी ओएच माइनस 10^-9m धर मुदेली तेल पीओएच के जमी पीएच बाहर कर सल्यूसन रमी पीओएच भी बाहर करवा माइनस लॉग टू दि बेस 10 10^-9 सो माइनस 9 माइनस मिसिकी ए गुणा हो गला 9 लॉग 10^-10 1 तो पीओएच है 9 है खाली केमती बाहर करवा से आम जान लें टे लॉगटा को टे मन पकई दौर जदि तुम्हें देखी थी जाथ तथापि जो मैंने पूरा अज्ञ ये भिडटा देखा आरंभ करदे हठात तो बंद करने को इच्छा हेनी मुझे कहीदे लॉग ऑफ एनीथिंग टू दि बेस सेम थिंग बी टू दि पावर बी और ए टू दि पावर ए टू दि बेस ए 10^-10 ई टू दि बेस ई हूँ 1 लॉग 10^-10 हूँ 1 लॉग 100^-100 इज 1 लॉग एनीथिंग टू दि बेस सेम थिंग इज इक्वल टू 1 लॉग 10टा है 1 किसी दिहनी मानने बेस मैंने 1 लॉग 1 टू दि बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0 कारण एनीथिंग टू दि पावर 0 इज इक्वल टू 1 लॉग 2 वैल्यू मन रख 0.301 लॉग 3 वैल्यू 0.477 यूज हम आमर लॉग एक्स टू दि पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग्स लॉग एक्स बेस्ट आर 10 मुझे लिखनी लॉग 10^3 मान 3 लॉग 10 लॉग 10टा 1 मान 3 माइनस लॉग 10^-5 हूँ माइनस 5 इंटु माइनस 5 लॉग 10टा 1 लॉग 4 को आम कर लॉग 2 स्क्वायर एटा एन हो गले एनटा एपट को पलि आसे 2 लॉग 2 2^0.301 इज इक्वल टू 0.602 लॉग एक्स इंटु वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एटा गोटे फर्मुला मन रख बेस सामान
आर बी टेन बेस थर आम कह माइनस लॉग टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू एटा को नहीं जा इंटु बी सो दैट इज इक्वल टू माइनस ये अच्छी दुटाक माइनस आस माइनस लॉग टू माइनस लॉग टेन टू पावर माइनस टू पुणी एटा एन आसीगला एनटा ठीक आस माइनस माइनस प्लस होगा लॉग टेन टा वन होगा सो लॉग टू रो वैल्यू पुट कली सो आसीगला 1.699 एटा मु काहे की रिवाइज कली ना मैं पीएच काढ़ दरकार हम नाउ लॉग एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बेस समान धर लॉग टू बाय थ्री गोटे जगह आसो तो मैंने लॉग टू माइनस लॉग थ्री लॉग टू रो वैल्यू एति लॉग थ्री रो वैल्यू एति सो रहा लिंक तुमको देदेली लॉग रे जदि तुम्हें किसी आइडिया ना तुम देख से मुझे बहुत गुड़ाक एग्जांपल लॉग टेबल केमती यूज कर एंटी लॉग टेबल केमती यूज कर देखे आउ से भी दे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत देर उत्तर भी दे अच्छा ये गोटे नुआ जिनस आम जाना दशम श्रेणी पिला हिसाब से निश्चय यहाँ तुम्हें नुआ लगे आयोनिक प्रडक्ट अफ व्वाटर जलर आयनिय गुणफल के डब्ल्यू तार सर्ट नोटेसन हो के डब्ल्यू मु तुमको पूर्व भिडियो कही प्योर व्वाटर एमती कि डीआयोनाइज व्वाटर पाति तो जल भी एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन थाए कि समुद्र को संख्या से संख्या के जो दीटा आयन एच प्लस आउ ओ एच माइनस तार मोलारीटर गुणफल को कहती के डब्ल्यू बा आयोनिक प्रडक्ट अफ व्वाटर मुझे पढ़ी दूसरी शुण देख येकोसी जलय द्रवण से उभय एच प्लस आ ओ एच माइनस आयन था पाबले तुमको गोटे मजा जिनस अनेस्टली कहि मुझे छोट पा तुमरी भाया स्टाडर्ड्रे से मोर गोटे धारणा था एसीड मान से एच प्लस आयन अच्छे ओ एच माइनस आयन मूलर ना बेस माने ओएच माइनस आयन अच्छे एच प्लस आयन ना बहुत दिन जाके एमती गोटे मोर धारणा थिला तापर जो मोर धारणा क्लीयर है अरे सबु जलीय द्रवण में एच प्लस आयन अच्छे एवं ओएच माइनस आयन बी अच्छे या अम्लीय द्रवण में एच प्लस आयन गाढ़ता ओएच माइनस आयन गाढ़ता ठार अधिका एवं बेस तार उल्टाटा कि मान नुह जे एटा जीरो एवं दीटा आयन मानकर गाढ़ता बा मोलारीटर गुणफल सर्वदा कन्स्टांट ताकू कहती के डब्ल्यू आयोनिक प्रडक्ट अफ व्वाटर एवं से गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे गोटे स्थिरांक सो विशुद्ध जल रे मध्य निजर विजोजन रु सेल्फ आयोनाइजेशन रु दुई आयन सृष्टि होती मानकर मात्रा बहुत बहुत कम किंतु छोट सापर विष अधिका व्वाटर निजर डिसोसीएसन व्वाटर डिसोसीएट कर एच प्लस ओ एच माइनस यटा आरएनए थ्योरी अनुसार किंतु आम प्रकृत में दीटा व्वाटर ना गोटे एच प्लस दब गोटे नब आम से ब्रोंस्टेड थ्योरी आम एडवांस थ्योरी पढ़वा आर नेक्स्ट भिडियो मुझे कह प्लान आउट कर गोटे दशम श्रेणी पिला देख कि नवम श्रेणी पिला भी देख से अधिका जिनस जाणवा उचित एवं केतिक अधिका जिनस जाणिले तार विशेष किसी प्रॉब्लम हेनी अंडरस्टैंडिंग रे प्रॉब्लम हेनी ताकु आखिरे रखिकी मुझे जदिओ कारण आम कम हो यूरानियम केमती ओडिशा रे भल पिला मानकु केमती भल मानर विज्ञान शिक्षा दि जाऊ आम धरीचे फिजिकल केमिस्ट्री उपरे मुहले केमिस्ट्री तुम जाच केमिस्ट्री अध्यापक थी रेवेन्सा महाविद्यालय एवं वर्तमान काम हो पाला पढ़ेगा केमिस्ट्री केमती हायर लेवल थिंकिंग स्किलटा लोअर लेवल रे केमती धारणामूलक जिनस हम केमिस्ट्री मोर हूँ धर्म किंतु जेहेतु फिजिक्स आमर भितर अच्छे तेणु मझे मझे फिजिक्स वीडियो करुच्ची जो पर्यंत फिजिक्स एक्सपर्ट मैंने करना मुझे गोटे प्रक्सी पकाचे राइट मोर फिजिक्स वीडियो किसी पिला तुम देख अच्छा ए यहाँ एक्चुअली हवा कथा कौन टू वाटर आउ एच प्लस आयन टा थी कौन एच थ्री ओ प्लस आउ एच माइनस किंतु आम सब एमती लिखा सर्टकट एच टू ओ रिभर्सेबल चिन्ह दे कौन पाई आर मात्रा बहुत बहुत कम एच प्लस प्लस ओ एच माइनस ये जो दीटा आयन मानकर कनसेन्ट्रेसन रुणफल को कहती आयोनिक प्रडक्ट अफ व्वाटर और से दीटार से जो कन्स्टाटा
ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 10^-14 ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତା'ମାନେ ଏଥିରୁ 10^-7 ଏଥିରୁ 10^-7 ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନରେ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ବା ପାତିତ ଜଳରେ ଥାଏ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଗ ଗୁଣଫଳ 10^-14 ହେବ ଯଦି ଏଇଟା 10^-7 ବଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା କମିଯିବ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଏତିକି କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ କେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାଣିକୁ ଉଷୁମ କରିକି ଆମେ ତା'ର କେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ତା'ର 5 ଗୁଣା ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା 1 ହେଲେ ଏଇଟା 5.47 × 10^-14 ସେଇ -14 କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ 5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ନେଇଗଲେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ନେଇଗଲେ ଏଇଟା 50 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ ଆଠ ସୋ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କ କଲାବେଳକୁ ଏଇ 10^-14 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ପିଓର ୱାଟର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପରଫେକ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନରୁ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ମିଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ କାନରେ ବଜେଇଛି ସେ ସଲ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଏସିଡିକ୍ ବି ହେଇପାରେ ବେସିକ୍ ବି ହେଇପାରେ ତା ସେଟା ଜଳ ଅପଘଟନ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅଛି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ସାଙ୍ଗରେ OH- ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଏକଦମ ସମାନ ତା'ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ଏ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟାକର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଗୋଟା ସେଇ ଗୋଟାକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ X=√10^-14 ବାହାରିଲା 10^-7 ମୋଲାର କହିଛି ଏମ୍ ମାନେ ମୋଲାର ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟରର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ମୋଲାରିଟିର ଚିହ୍ନ ଏମ୍ ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଜଳରେ 10^-mol H+ ଆୟନ ଅଛି 10^-7 ମୋଲ୍ OH- ଆୟନ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସୋ pH କେତେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ pH = -log ଅଫ୍ H+ ଆୟନ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ H+ ଆୟନ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ 10^-7 -7ଟା ଏଠି -+ ହେଇଗଲା ଲଗ୍ 10^-7 POH ମଧ୍ୟ OH ବି ସେତିକି POH ବି 7 ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ଯୋଗଫଳ pH ଆଉ POH ର ଯୋଗଫଳ 14 ଗୁଣଫଳ 10^-14 କିନ୍ତୁ ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 14 ସମସ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ହେ ଅମ୍ଳୀୟ ହଉ କ୍ଷାରୀୟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଇଟା ଯାକର ଗୁଣଫଳ ଯେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ pH ଆଉ POH ର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ KW ର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟାକ ଆୟନର ମୋଲାରିଟିର ଗୁଣଫଳ ଏଇଟା 10^-14 ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗ୍ ଅପରେଟ୍ କର -log ସରି ଏପଟେ -log KW କରିଦିଅ ଏଠି -log ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲଗ୍ X×Y log X+log Y ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ମାଇନସ୍ -log H+ -log OH- ସୋ ଆ ଜାଗାରେ ଆମର pH ର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି POH ର ଡେଫିନେସନ୍ ସୋ PH+POH ହେଉଛି -log ଅଫ୍ KW KWଟା ହେଲା 10^-14 ତା'ର -+ ହେଇଗଲା ଲଗ୍ 10^-1 ସୋ PH+POH =14 ଏଇଟା କମିଗଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା କମିଯିବ ରାଇଟ୍ ଏବଂ କେବଳ ପିଓର ୱାଟରରେ କିମ୍ବା ପରଫେକ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନରେ pHଟା 7 କି POHଟା ବି 7 କାରଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାର କରିଛେ ଯଦି pHଟା 7 POHଟା ବି 7 ଏଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବା ପରଫେକ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନରେ ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନରେ H+ ଆୟନର ପଲ୍ଲା ଭାରି ସିଏ OH- ଆୟନଠୁ ଅଧିକା ତା'ମାନେ H+ ଆୟନର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା 10^-7 ଏମ୍ରୁ ଅଧିକା ହେବ ଏମ୍ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଏଠି ଏମ୍ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ଏହାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ OH- ଆୟନର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ 10^-7 କମ୍ ହେବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକର ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା କମିଯିବ ତେଣୁ pHଟା 7 କମିଯିବ ଆର କାହାର ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନରେ pHଟା 7 କମିଯିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି H+ ଆୟନର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ 10^-7 ବଢ଼ିଗଲା pHଟା 7 କମିଯିବ ଏବଂ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି POHଟା 7 ବଢ଼ିଯିବ କାରଣ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଯୋଗଫଳ 14 ହେବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳରେ H+ ଆୟନର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ତୁମକୁ କହିଦିଆହେଲା H+ ଆୟନର ଯେ 0.001 mm ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନର pH ବାହାର କର POH ବି ବାହାର କର ସୋ pH ହେଉଛି -log H+ ଆୟନ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ -log 10^-3 ଏଇଟା
सो ये हला थ्री जदि पीएच बाहर थ्री ताल आम कहीं पुणी ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन टा पुणी बाहर करवा 10^14 डिवाइड करी सांगे सांग 14 रु माइनस कले कारण आम जाचे पीएच आउ पीओएच समष्टि हूँ 14 तेणु पीएचटा आगुरी बाहरी गला मान पीओएचटा 14 माइनस 3 11 सेमती क्षारिय द्रवण ठीक उल्टाटा सेठी ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन टा एच प्लस 2 अधिका तामाने ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन टा 10^-7 रु अधिका मोलार एम टा लिखा भूल जाइए आउ एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन टा 10^-7 रु कम कारण दुईटा गुणफल कन्स्टांट तेणु ये पीएचटा 7 रु अधिका बाहर पीओएचटा 7 रु कम बाहर गोटे एग्जांपल नवा धर गोटे क्षारिय द्रवण में ओएच माइनस आयन मोलारीटी आम जाचे 10^-4 एम 0.0001 मैंने 10^-4 फाइंड इट्स हाइड्रोजन आयन कनसेनट्रेसन एंड पीएच चलो दुईटा मेथड रे आम करवा फर्स्ट मेथड रे आम चल जेहेतु ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन देगे सांगे पीओएच बाहर करदे यहाँ इजी हम तो माइनस लग अफ ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन माइनस लग अफ 10^-4 यहाँ 4 बाहरी गला जदि 4 बाहरी गला सांगे सांग पीएच इज इक्वल टू 14-4 इज इक्वल टू 10 वन्स वी गेट 10 एज पीएच तार एंटीलग नहीं गले यहाँ तो सहजियाटा 10 जदि हुए पीएच ताहले एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन हो 10^-10 कारण ये देव माइनस लग नहीं जाऊन यार माइनस लग नहीं गले 10 आसुनी तेणु यहीटा होल नंबर है गोटे इंटीजर है आम 10^-7 करदे कितु जदि यहाँ 2.5, 7.8 एमती थी तेल एंटीलग नाक पड़ो आम एंटीलग केमती टेबुल यूज करवा आम शिखा जदि न शिखीचे आम से भिडटा देखा देखिकी जाणी टेबुल यूज करके शिखा आम सबुब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके एंटीलग बाहर करवा कौन संभव तो शिखा लॉजिक जाणी अच्छा आउ गोटे मेथड आम कर कौन करवा चल ओएच माइनस आयन कनसेनट्रेसन देव एच प्लस आयन बाहर करदे कहीं ए दुईटा जाकर गुणफल हूँ के डब्ल्यू सो एच प्लस हूँ के डब्ल्यू बै ओएच माइनस कनसेनट्रेसन तमें 10^-14 बै 10^-4 है 10^-10 सो एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन टा सांगे सांगे बाहरी गला यहाँ बेटर मेथड जदि एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन मागि थाए जदि पीएच मागि थाए दरकार नहीं ये मेथडटा बेटर यहाँ आंटीलग करा पड़ो ना इट इज ना 10, 2, 3, 4 इजी हो गला कि 2.5, 7.5 तो असुविधा हम ना तेणु ए मेथडटा बेटर से जदि एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन टा आग हरिकी बाहर करदेल देन पीएच नहीं गल माइनस लग अफ दिस इज इक्वल टू 10 सो ये 10 आग बाहर था कड़े गला पीओएचटा आग बाहर देन पीएच बाहर 10 पचरे बाहर किंतु एटी एच प्लस आयन कनसेनट्रेसन टा आग बाहर देन पीएच बाहर 10 राइट तुम जो मेथड रे कर तुम इच्छा उभय अम्लीय क्षारिय द्रवणर अम्लीयता और क्षारकत्व को पीएच मध्यम प्रकाश करा जाए इवेन इट इज ए बेस सल्यूशन किंतु ता कह जाए पीएच के 9.1 7 रु अधिका हम 11.2 7 रु अधिका है मैंने बेसिक तो पीओएच स्केल रो बेसी पॉपुलैरिटी नहीं मु खाली शिखेली तुमको किंतु इवेन इफ इट इज ए बेसिक सॉल्यूशन हो कि एसिडिक सॉल्यूशन हो समस्त को पीएच स्केल रे प्रकाश करा जाए कारण मु जो पिला बेले सबु बेले भावुथली अरे एसिड रे कोनो ओएच माइनस आयन थिबो ए बेस रे कोनो एच प्लस आयन थिबो तार पीएच गुणी कोनो परवर्ती काल रे जेतेले मु जानिली आम बेले कोनो एते कथा पढाउथला ए दशम श्रेणी रे ना बहुत डेरी रे आमे जानुथुलु अरे हे एच प्लस आयन ओएच माइनस आयन दुईटा कथाए तार गुणफल को एट के डब्ल्यू कहते गोटे कमीगले गोटे बढ़ीज एसीडिक बेसिक सल्यूसन समस्त एच प्लस आयन भी अच्छी ओएच माइनस आयन भी अच्छे सो पीएच स्केलटा पपुलार बर्तमान देखा केमी पीएच डिटरमिन करवा गोटे स्ट्रंग एसीड्र मुझी सतटा एसीड स्ट्रंग धर गोटे मनोप्रोटिक नवा मनोबेसिक मनोबेसिक मध्य कहती मनोप्रोटिक एक क्षारकीय अम्ल नवा तार पीएच बाहर करवा एच सी एल धर एच एन ओ थ्री ए मानकर एच सी एल बाहर करवा ए मानकर द्रवणर लघु द्रवण डायल्यूट सल्यूसन रे एसीड्र कनसेनट्रेसन जहाँ एच प्लस आयन रनसेनट्रेसन से आगुरी मुझे ए मानकर लघु द्रवण में
नियरली 100% डिसोसिएशन आयनीकरण घटी थाए तेणु एच एक्स जी एच प्लस आयन ठीक से एच ए इज सेम एज एच प्लस तेणु जहाँ एच सी एल एच एन ओ थ्री जहाँ मुझे डेटा ताकू ही तुम्हें पकेब एच प्लस आयन कनसेंट्रेसन पीएच बाहर करदेव राइट फर एग्जाम्पल किंतु सेटा हम ना डायबेसिक एसीड धर स्ट्रंग स्ट्रंग गोटे तो डायबेसिक एसीड अच्छी सल्फ्यूरिक एसीड सेटा जो डायल्यूट सल्यूसन नब मान 0.01 टू कम हम डायल्यूट सल्यूसन डबल आसो कारण तुम जाच गोटे सल्फ्यूरिक एसीड अणुर विजोजन घटले 2H+ प्लस बाहर तेणु सल्फ्यूरिक एसीड्र गाढ़ता जदि एक्स तेज एच प्लस आयन राढ़ता तार डबल सो एच प्लस आयन कनसेंट्रेसन इज एप्रक्सीमेटली ट्वाइस अफ सल्फ्यूरिक एसीड्र गाढ़ता कहीं सल्फ्यूरिक एसीड अणुर जोड़े एच प्लस आयन बाहर बट एटा केवल भैलीड डायल्यूट सल्यूसन तुम आउटे बड़ हेले 11th क्लास तुम डिटेल जानव जदि टे कनसेंट्रेटेड नहीं जो 0.1 नहीं जीव तेल ये मेथड्रे हेनी ए डबल मेथड्रे हेनी ताप अलग मेथड धरवाक पड़ो तार लॉजिक टी अलग हम से मुझे डिस्कसन करी किंतु शेष बेलू टे कह डोंट वरी चल आम गोटे डिस्कसन करवा पीएच बाहर कर 0.02 mHCl 3×10⁻³ सल्फ्यूरिक एसीड जो दि प्रकार आलोचना कले से गोटे गोटे एग्जांपल नहीं गोटे मोनोप्रोटिक गोटे डायप्रोटिक मोनोबेसिक डायबेसिक तो मोनोबेसिक केस रे कौन हम एसीड्र कनसेंट्रेसन जी एक्जम एच प्लस आयन रनसेंट्रेसन से 2×10⁻²। पीएच इज इक्वल टू -log अफ दैट -log a×b इज इक्वल टू log a प्लस log b सो -log 2 इट माइनस माइनस प्लस हो गला सो प्लस 2 log 10 टा 1 तेणु यार वैल्यू पुट करदे 1.699 है पीएच एति सल्यूसन रीएच होती तेणु एति सल्यूसन सल्फ्यूरिक एसीड के मुझे डायल्यूट सल्यूसन हाइड्रोजन आयन कनसेंट्रेसन राढ़ता सल्फ्यूरिक एसीड राढ़तार डबल 2 रे गुणीदेली 2×3×10⁻³ तार पीएच ने -log अफ दैट कले ए बी इंटू सी log a प्लस log b प्लस log c सो माइनस अच्छी -log 2 -log 3 -log 10⁻³ ये केवल प्लस हो गला आय गुड़ाक दुटा माइनस रहा वैल्यू पुट कली बाहर 2.222 है यहाँ चलती कौ स्ट्रंग एसीड्र पी विक एसीड्र भी टी धारणा देवी जे छाड़बी डोंट वरी अच्छा सेमती स्ट्रंग बेस बाहर करवा पीएच अफ स्ट्रंग बेस NaOH, KOH, रुबिडियम सीजियम मार्केट में मिले नहीं हाइड्रोक्साइड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मुख्यार धातुर हाइड्रोक्साइड केवल ये तीन टा बहुत लघु द्रवण से 100% आयोनाइज हूँ से मानकर पीएच सबल एसीड क्षार कर नुए आगु आगु आम एसीड सल्फ्यूरिक एसीड भाया भली बाहर करा जाए धर NaOH तार तो एसीडिटी 1 तार अम्लीयता 1 तेणु तार किसी प्रोब्लेम ना यहाँ गोटे स्ट्रंग बेस तेणु बेस कनसेंट्रेसन जी OH- आयन कनसेंट्रेसन ठीक से किंतु जदि बेरियम हाइड्रोक्साइड डायल्यूट सल्यूसन नब ये डायल्यूट सल्यूसन कम्प्लीट डिसोसिएशन हो तेणु ए केस्रे OH- आयन गाढ़ता सल्फ्यूरिक एसीड भाया ट्वाइस अफ बेरियम हाइड्रोक्साइड द्रवण गाढ़ता बेरियम हाइड्रोक्साइड मोलारीटर डबल हम OH- आयन गाढ़ता ठीक सल्फ्यूरिक एसीड भाया चल से भाया दुटा एग्जांपल नवा फाइंड द पीएच मुझे हड़बड़ी जाइ था गोटे NaOH द्रवण कौन पीएच बाहर हाइड्रोजन आयन कनसेंट्रेसन कौन किंतु परवर्ती काल रे मोर धारणा क्लियर हला जे नाही सबुथर पीएच अछि सबुथर पीओएच अछि पीओएच टा बेसी पॉपुलर नै सबुथर पीएच तो चलो बाहर करिबा जेहेतु एटा स्ट्रांग बेस OH- आयन कनसेंट्रेसन सेम एज NaOH दैट इज 3×10⁻³ तार आग आग कौन कही आग पीओएच बाहर करदे कारण OH- आयन देती तेणु पीओएच क्याकुलेसन करा इजी स्केलटा पपुलार ना कौन हम क्याकुलेसन आग पीओएच बाहर कर दियो -log 3×10⁻³ -log 3 +3 -minus plus हो गला
ତେଣୁ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରି ବାହାରିଲା ମୋର 2.523 ଏଇଟା POH ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି pH ସୋ pH ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 ମାଇନସ୍ ସେତିକି ସୋ 11.477 ଅବଭିଅସ୍ଲି 7ରୁ ଅଧିକା ବାହାରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ 7ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସେଇଟା କ୍ଷାରୀୟ ବା ବେସିକ୍ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ବା ଏସିଟିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 7 ହେଲେ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବା ପିଓର ୱାଟର୍ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟା କରିବା ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଡିସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବ ତେଣୁ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡବଲ୍ ଅଫ୍ ଆ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦଟ୍ ଇଜ୍ 2×10⁻⁴ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍ ଟୁ ଦ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏଠି 2ରେ ଗୁଣା ହେଲା ତେଣୁ ଆଗ POH ବାହାର କରିଦେବ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ଏଇଟା 2ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟୁ 10⁻⁴ ଯେତେ ଇଜି ହୋଇପାରିବ ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଇଜି ହୋଇଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଫର୍ମରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 4 ଏଠି କରିଦେଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଲଗ୍ 10⁻⁴ ଏଇଟା ପୁଣି ଏନ୍ଟା ଏଠିକି ଆସିଲା 2 log 2 log 2ର ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କଲି ମାଇନସ୍ ଅଛି ସୋ ହିସାବ କଲି ଏଇଟା ଆସିଲା 3.398 POH ଦେନ୍ pH ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 14 ମାଇନସ୍ ସେତିକି 10.602 ସାତରୁ ଅଧିକା ସୋ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ବା କରିପାରିବ ତା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଏତିକି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ KW/OH-। ବିକଜ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ର ଗୁଣଫଳ KW 10⁻⁴ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏତିକି 2×10⁻⁴ ସୋ ଆଗ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ pH। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେ ପଚାରିନି ତେବେ ତୁମେ POH ବାହାର କରିଦିଅ ଆଗ ଦେନ୍ 14ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଦେଲା ଅତି ପାଣିଚିଆ, ତା'ର ମୋଲାରିଟି ଏସିଡ଼୍ର ମୋଲାରିଟି 10⁻⁷ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ କମ୍, ବେସ୍ର ମୋଲାରିଟି 10⁻⁷ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ କମ୍, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କେମିତିକି ବାହାର କରିବା pH? ସେ କେସ୍ରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାର କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ ହୋଇଯିବ। ଏସିଡ଼୍ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଏସିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବେସ୍, ବେସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସିଡ଼୍, ଏସିଡ଼୍ର ବାହାରିବ pH 7ରୁ ଅଧିକା, ବେସ୍ର ବାହାରିବ pH 7ରୁ କମ୍, ସମ୍ଭବ କି ନା? କହୁଛ HCl ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ pHଟା 7ରୁ ଅଧିକା, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୋ ଏତେ କମ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଏସିଡ଼୍ ଆମେ ନେବା ବାହାର ଏସିଡ଼୍ଟା, ତେଣୁ ୱାଟର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଏସିଡ଼୍ ବି, ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବେସ୍ ବି, ତେଣୁ ୱାଟର୍କୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଫୋଟେରିକ୍, ଉଭୟ ଧର୍ମୀ। ତେଣୁ ତା'ର 10⁻⁷ଟା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନକଲେ ତୁମେ ଏସିଡ଼୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର pHଟା 7ରୁ କମ୍ ପାଇବନି କି ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର pHଟା 7ରୁ ଅଧିକା ପାଇବନି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି pH ଅଫ୍ HCl ହାଭିଂ ମୋଲାରିଟି 10⁻⁸ m, ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଖି ବୁଝିକରି ଯଦି ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ନେଇଯିବ 8 ବାହାରିବ pH ଅଫ୍ ଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍, କି ଲୋକ ହସିବେ HCl ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୋଲ କ'ଣ pH 8, ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ତା'ମାନେ ସେଇଟା ବେସିକ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏସିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବେସ୍। ସୋ ଡାଲମେ ଜରୁର କୁଛ କାଲା ହୁଏ, କାଲା କ'ଣ ଏତେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ୱାଟର୍ର ଯେଉଁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛି 10⁻⁷, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଡ଼େଡ଼୍ ଏସିଡ଼୍ HCl ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ 10⁻⁷ କମନ୍ ନେଲେ ଏଇଠି 0.1 + 1 1.1 × 10⁻⁷, ତା'ର ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ନେଲେ ବାହାରୁଛି 6.95861। ସାତର ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ କମ୍ ବାହାରିବ, ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ପଛେ ବାହାରୁ କମ୍ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, ସେ ଏସିଡ଼୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, କେତେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ 10⁻⁷ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଯିବ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ 10⁻⁷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଯୋଗୁଁ? ଜଳର ବିଯୋଜନ ଯୋଗୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 10⁻⁵ରୁ ଅଧିକା, 10⁻⁶, -4, -3, -2, ତେବେ ତା'ର ଏ ୱାଟର୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଅ, ତାକୁ କାଲ୍କୁଲେସନ୍କୁ ନିଅନି। କିନ୍ତୁ 10⁻⁷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ, 10⁻⁶, -7, -8 ଆଡ଼୍ ନକଲେ ହେବନି, 10⁻⁶ରେ ଚଳିଯିବ, -7ରେ ହେବନି କି ତା'ଠୁ କମ୍ରେ ହେବନି। ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ର pH ବାହାର କର, ତାହାର ମୋଲାରିଟି 10⁻⁷। ତୁମେ ଯଦି ଆଖି ବୁଝିକରି ବାହାର କରିବ POH ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ଏତିକି 7, ସୋ pH ବି 7। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍? ତୁମେ NaOH ପକେଇଛ,
निश्चित भाव में पीएच बाहर सात रु टे अधिका सामान्य अधिका हो पचे से पाइब केमी ना तुम्हें यदि एक्सट्रा 10^-7 जो जल बीज योजन आसूक आड करदे पाइज सो दुटा को मिसीगले 2×10^-7 और तार पीओएच बाहर करदे बाहरी गला 6.699 तेणु पीएच बाहर 14-7.301 देख ल तो तेणु मु ट्रिक बतेली बर्तमान किसी जानवा कथा कौन ना गोटे द्रवण पीएच कौन शून्य शून हो पार कि नेगेटिव हो पार कि आंसर हूँ यस इन प्रिंसिपल हो पार कारण जदि गाढ़ता 10 molar हम 100 molar हम 1000 molar हम तेल 10 molar हिसाब करूँ -log(10) -1 नुहे और जदि 1 molar एक्जाक्टली नब log(1) टा 0 नुहे सो 0 भी हो पार -2, -3 सब हो पार कि यूज हुए नहीं क्या कनसेनट्रेटेड सल्यूसन पीएस स्केलटा होनी कहीं जदि कनसेनट्रेसन बढ़ीगला तेल आयनीकरण मात्राटा 100% हेनी टे कमिज 95, 94, 90, 80 बहुत कनसेनट्रेटेड 10 molar, 20 molar गाढ़ता 10 molar अच्छी कि हाइड्रोजेन कनसेनट्रेसन 10 हेनी कमिज के कम जानन से कनसेनट्रेटेड सल्यूसन पीएच स्केल आप्लिकेबल नुहे कि इन प्रिंसिपल इन थिरी 0 भी हो पार नेगेटिव जिते चाहिए भी नेगेटिव हो पार इन प्रिंसिपल किंतु तार यूज यूटिलिटी किसी ना चल टे तुमको कान में बजेबी दुर्बल अम्ल वीक एसिड जो पृथ्वी जिते 7टा को छाड़देले बाकी जी अच्छी मुझे सुपर एसिड कथा कहूनी एट यूजुआली तुम एनकाउंटर करनकाउंटर स्पेशलिस्ट करनी तेणु ताको लास्ट को जानवा कथार देखु ये जो 7टा स्ट्रंग एसिड को छाड़देले बाकी सब वीक तार केमी पीएच बाहर कर मजा कथा से कारण ता देहर आयनीकरण मात्रा एत कम आमको बाहर करवाक पड़ो एच प्लस आयन केसीटिक एसीड जिते मोलारीटी नहींचे से एच प्लस न आसबन बहुत कम आस से बहुत कमटा को आम बाहर करार पीएच देवाक पड़ो ये आमको बड़ हटहटा हाबाक पड़ो डोंट वरी आम सुविधा तुमको बुझेदेवी कनसेप्टा कौन धर एच एफ धर एसीटिक एसीड धर एच सी एन धर फॉर्मिक एसीड तार पीएच बाहर करने को हाँ सल्यूसन तार साधारण गाढ़तार डायल्यूट सल्यूसन एम बीजोजन इवेन डायल्यूट सल्यूसन भी बीजोजन मात्रा आयनीकरण परसेंटेज बा डिग्री बहुत कम थाए धर 1 molar सल्यूसन कि 0.1 molar सल्यूसन इवेन 0.1 molar सल्यूसन भी पाखापाखि 5% आयोनाइजेसन होता स्ट्रंग एसीड 100 यार 5 कम तेणु एच प्लस आयन गाढ़ता अम्ल गाढ़ता ठारू बहुत कम लेस दैन 2-4 लिखी भी होता एच प्लस आयन गाढ़ता लेस दैन तार एसीड्र एसीड कनसेनट्रेसन एसीडटा पानी से सल्युबुल पूरा हो गला तार गाढ़ता धर 0.1 mm कि एच प्लस आयन तादर बाहर समुद्र को शखे से शखटा को नाक पड़ो आम को तेज दुर्बल अम्ल वीक एसीड्रे एच प्लस आयन के निरूपण करने को पड़ो मन रख समस्त अम्ल अजैव हो कि सरल जैव छोट जैव मान एसीटिक एसीड फॉर्मिक एसीड एगुड़ाक टाटरिक एसीड जल में संपूर्ण द्रवणीय तेणु तार मोलारिटी बाहर जीव मात्र दुर्बल अम्ल मानकर आयनीकरण मात्रा बहुत कम थाए सबल अम्ल मानकर साधारण गाढ़तार यह प्रायतः 100% जोटा को आम बाहर कले जी एसीड से एच प्लस आए जदि मोनोप्रोटिक डायप्रोटिक तो सल्फ्यूरिक एसीड गोटाए इंटु 2 सेमती बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड है इंटु 2 बर्तमान टिके जेहेतु वीक एसीड आसला आम ए चिह्न दबा इरिवर्सिबल मार्क दबा नहीं नॉर्मल आरो मार्क दबानी एमती गोटे रिवर्सिबल चिन्ह दबा यू आम जाना जे नाक टेकी दबा यार डिसोसिएशन ए रिएक्शन टा राइट को बा प्रोडक्ट ओरिएंटेड नुह बा राइट साइड ओरिएंटेड नुह बहुत कम मात्रा रे होउछि तबे ए जदि आम डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट हला के ए हला कौन ना जेतिकी परिमाण रे एच प्लस आयन ए माइनस आयन सृष्टि हला ये जेतिकी सेतिकी तार मोलारिटी रो गुणफल रहिला न्यूमरेटर रे लबर रे एवं हर रे रहिला डिनोमिनेटर रहिला जेतिकी अणबिजोजित अनआयोनाइज्ड एचए जेतिकी रहिला सेटा तार कनसेंट्रेशन इटा एटा पर समुद्र आकार रे अछि शंख आकार रे जाइछि ए दिटा ऊपर शंख एटा समुद्र तेणु धर मु गोटे तुलना करुच्ची
HCl भलिया स्ट्रॉंग एसिड रो के टा होची 2 इनटू 10 टू द पावर 6 सेति पई एटा संपूर्ण विजोजित 100% आयोनाइज्ड किंतु HF रो तारो सानो भौणी जस्ट तळ भौणीटा सबा कुनी भौणी तारो 10 टू द पावर -4 रेंज रो आसुची 3.5 इन 10 टू द पावर -4 केते कम 10 टू द पावर -4 ए वैल्यूटा तमन उपरटा केते कम बोली एटा केते कम हेची तेणु जेमती एच प्लस आयन गाढ़ता को मापापी गोटे स्केल अच्छी माइनस लॉग ऑफ दैट पीएच सेमती पीके सब गुड़ाकर पी लगे पीएच माने माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पीके माने माइनस लॉग ऑफ के पीके बी माने माइनस लॉग ऑफ के बी माने बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आम पढ़ा आउ 10 मिनट सर जीव पीके जदि के टा अधिका ताले पीके टा कम माइनस लग नेलापर सेटा कमिजिबो मु देखेबे तेणु वीक एसिड मानकर पीके टा जेहेतु एटि माइनस अछि आ गोटे सायन माइनस एटि हमर अछि डेफिनेशन रे तो माइनस माइनस प्लस हेकरि वीक एसिड मानकर पीके टा बढ़िया लगे तुमको पॉजिटिव नंबर पाइबो स्ट्रॉंग एसिड माने धर हाइड्रो ए सातटा तांकर सब पीके नेगेटिव माइनस टा अछि किंतु तार 10 टू द पावर प्लस प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 ए बढ़िया स्ट्रॉंग एसिड से माने ए एगुडाक अधिका एटा ऑलमोस्ट नहीं कहले चले राइट एग्जांपल मु नौ धर के एच एफ रोचे 3.5 इंटू 10 -4 तार पीके के माइनस लॉग ऑफ दैट जमी पीएच बाहर करते से पीके सो यटा हिसाब कला बेलू माइनस माइनस फोर है 3.45 सो के एटा पीके जदि के टा कम हम तार पीके टा अधिका हम धर दुटा एसिड आम कंपेयर करवा गोटे हूँ एच एफ तार पीके हूँ 3.45 आ गोटे एच सी एन तार पीके हूँ 8.3 केउटी अधिक दुर्बल डेफिनेटली जार पीके अधिका पॉजिटिव माने पॉजिटिव अधिका मु कहूँ तेबे सेटा बेसी दुर्बल कारण एटार के हूँ 10 टू द पावर -8.3 यार के हूँ 10 टू द पावर -3.45 तेणु ये डेफिनेटली एटा कम ताठू तो एस सी एन केमती केटा जदि कमिबो पीकेटा बढ़िबो के कमिले अम्लटा दुर्बल केटा असल अम्ल अम्ल पाई केटा होची इंपोर्टेंट केटा जदि कम 10 टू द पावर -5 -7 एटा होची दुर्बल 10 टू द पावर प्लस समथिंग स्ट्रॉंग से दुर्बल भितर पुणी 10 टू कंपेरिजन अच्छे 10 टू -5 गोटे 10 टू -10 गोटे कौटा दुर्बल 10 टू -10 टा आ दुर्बल तो पीके कला बेलू 10 आसीज सो पीके अधिका हेले बेसी बेसी दुर्बल पीके कम हेले रिलेटिवली मोर एंड मोर सबल माने लेस एंड लेस दुर्बल सो मुझे दुटा एसीड देटा जाक दुर्बल तांकर कैटेगोरी होची वीक एसिड किंतु एसीएन टा मोर वीक वीकर दैन एच एफ कारण तार पीके टा अधिका मन रहा के सांगरे एसिड रो गाढ़ता माने दुर्बलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टा जदि कमिला सेटा आउरी दुर्बल हला के बढ़िला रिलेटिवली लेस दुर्बल हला किंतु पीके टा ठीक उल्टाटा गोटे एग्जांपल नहीं गोटे स्ट्रॉंग एसिड रो के वैल्यू देसी तार पीके केते माइनस बाहर निश्चय मुझे कहती माइनस साइनटा अच्छे ना डेफिनेशन रे सबल अम्ल मानकर पीके हूँ नेगेटिव से सातटा आ दुर्बल अम्ल मानकर पॉजिटिव जिते अधिक अधिक पॉजिटिव है से वीकर एंड वीकर एसिड केतोटा टेबुल मुझे धर यहाँ फॉर्मिक एसिड रतीक मिथानोइक एसिड भलि कहते प्रोपानोइक एसिड रतीक फेनल आ गोटे एसिड एति नाइट्रस एसिड रतीक सब 10 टू माइनस रेंज रे आसला हाइड्रोसायनिक एसिड एस सी एन रेन टू -9 जहाँ माइनस लग नहीं मुझे बाहर कले 8.3 बाहर ला राइट आउ गोटे टेबुल नहीं जो चार दि भी अच्छा ये एच सी एल टा स्ट्रंग एसीड हो -6.3 यहाँ विक एसीड हो +3.46 जोटा देखे एसीटिक एसीड प्लस गुटा सब ये एच एन ओ थ्री टा स्ट्रंग एसीड हो माइनस राइट इटि सबू स्ट्रंग एसीड मानक एच आई गुड़ा सब माइनस बाहर सब स्ट्रंग एसीड रही भितर सबुठ पजिट टे मैंने यहाँ विक् एसीटिक एसीडटा विक् पजिट आसीगला
किंतु यहाँ ऑक्सालिक एसिड ठू आउरी वीकर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिडटा एम भितर सब स्ट्रंगर ए विक मानक भितर सब स्ट्रंगर हो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ एवं एंक भितर जेतिके मु डेटा देछि एसिटिक एसिडटा वीकेस्ट व्यवस्था आरो पीके एटा सबुठु अधिक एटा हला के एटा पीके राइट बहुत सरी आसिलानी वर्तमान मु तुमको बाट सिंपल बाट बतेबी केमिति गोटे वीक एसिड रो पर्टिकुलरली मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड फॉर्मिक ए गोटा एसिड टाकर अछि बीजोजनीय ये नु एटा ऑर्गेनिक कार्बन संगे लागिछि सेटा बीजोजित होबनी एटा ओ संगे जोटा लागिछि सो एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड होसी मोनोप्रोटिक एसिड तो मु पछरीबे जदी 0.01 एम एसिटिक एसिड रो पीएच केते होबो तबे चालो विजोजन करिबा धर प्रथमे डिजॉल्व होबा पूर्वरु डिजॉल्व हेइ गला विजोजन हेइनि धर आमे गोटे भाबिबा विजोजन हेइनि ए सांगे सांगे जइबो आखि पिचुलके सी एटा 0.0 थिला जेतेबेले इक्विलिब्रियम साम्यावस्था आसी गला जहा डिसोसिएशन होबा कथा हेइ गला धर एक्स मोल गला सी मोल रु एक्स मोल गला पर लीटर लिटर पिछा सो रहिला केते सी माइनस एक्स एवं एटा हेला केते जदि गोटे मॉलिक्यूल रु गोटे एथ्रु आयन बाहरुची तले एक्स मोल जदि जीवो एथ्रु एक्स मोल बाहरिबो पर लिटर तो हाइड्रोजन आयन रो कंसंट्रेशन आसला एक्स सेटा सेम एज एसिटेट आयन कंसंट्रेशन आ रहिला अणबिजोजित एसिटिक एसिड रहिला केते ना सी माइनस एक्स तो वर्तमान मु के रो वैल्यू देइची तुमको एटा देइची एटा फिक्स्ड डेटा अछि बहिरे 25 डिग्री डेटा अच्छी टेम्परेचर चेंज हेले टेम्परेचर बढ़ले बढ़ जमी जलर विजोजनांक बढ़ुला के डब्ल्यू सेम के भी बढ़ बढ़ सो ये कौन कले ना के इज इक्वल टू आर कनसेट्रेसन इंटु आर कनसेट्रेसन बै आर कनसेट्रेसन तो मैंने एक्स इंटु एक्स बै सी माइनस एक्स है कितु ये गोटे आम चलाकी कम करने को पड़ो कारण यिक एसीड्रे एक्सटा एत छोट सी तुलन में ये आम गोटे एप्रोक्सीमेसन करवा कौन नेग्लेक्ट करवा कौटी ना डिनोमिनेटर तुम कह सारे एक्सटा जो ये नेग्लेक्ट कल यू नेग्लेक्ट करदे आम कौन बाहर करवा है आमको लोक गधिया कहे केवल सी तुलन में कारण विजोजन मात्रा एत कम जे एक्स सी तुलन में एत कम जे आम काल्कुलेसन एक्सटा को तले नेग्लेक्ट कर न नेग्लेक्ट कले भी किसी असुविधा ना तुम जी तुम बेकारिया मुंड पिटब क्वाड्राटिक इक्वेशन सॉल्व करिबो करू न किसी विशेष किसी प्रॉफिट हेनी किसी विशेष प्रॉफिट हेनी तेनाली चलाक ये नेग्लेक्ट करदेली सी तुलन में एक्स बहुत कम हो नेग्लेक्ट कराला तले तेणु के होगा एक्स स्क्वायर बै सी तो एक्स इज इक्वल टू के ए इंटु सी स्क्वायर रूट तम मन रखी था फर्मूला हूँ के जो विजोजनांक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू मोलारिटी रो स्क्वायर रूट होची एच प्लस आयन कंसंट्रेशन एटा गोटे फॉर्मूला मन रख हेले आम दे 1.8 10 टू द माइनस 5 इनटू मोलारिटी दे 10 टू द माइनस 2 एको कला बेल को बाहरला 10 टू द पावर माइनस 4 बाहरला के ना एक्स एक्स माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्स तार माइनस लॉग नहीं जाओ माइनस लॉग ऑफ दिस मोर बाहरला 3.373 तो 0.01 एम एसिटिक एसिड रो पीएच हला 3.373 किंतु जदि से मोलारिटर मु स्ट्रॉंग एसिड नहीं था मोनोप्रोटिक स्ट्रॉंग एसिड लाइक एचसीएल 10 टू द माइनस 2 होता तार एच प्लस कंसंट्रेशन कारण एचसीएल जहाँ एच प्लस से 100% आयोनाइजेशन राइट तेणु पीएच होता 2 देख ल तो से 0.01 एम एसिटिक एसिड रो पीएच बाहर 3.373 एवं 0.01 एम एचसीएल जदि आम नहीं था तार बाहर था 2 तेल कहार अधिका पीएच वीक एसिड्र पीएच सब अधिका जदि गाढ़ता एसिड्र सामान थाए तेल पीएच ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर दैन पीएच ऑफ स्ट्रॉंग एसिड आ पीएच बढ़ला माने जदि पीएच वैल्यू 2 जगह 3 है 4 है ता माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कमिला हाइड्रोजन आयन आयन रो पावरटा कमिला 10 टू द माइनस 4 इज लेस दैन 10 टू द माइनस 2 तेणु पीएच आउ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन दे आर इनवर्सली रिलेटेड मोर इज द एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन लेस इज द पीएच तेणु सामान गाढ़तार एक दुर्बल एसीड्र विक एसीड्र पीएच सबल एसीड्र पीएच ठारू अधिका पीएच अधिका है मैंने हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम कहीं कम बाहर ना तार विजोजन कम परसेंटेज आयोनाइजेसन बहुत कम है ये तुमको गोटे
ডাইবেসিক এসিডর কালে মানে মানে ভাবিব যে সলফুরিক এসিড রে সিনা টু গুণি দেলে সেটা সিনা স্ট্রং এসিড বলি তেন যেটা উইক এসিড সে সি যদি ডাইবেসিক হয়ে থাকে ধর কার্বনিক এসিড কি এস টু এস কি অক্সালিক এসিড এমানকর দুইটা আছে কি মনে রখ দুইটা ডিসোসিয়েশন অছি মানে দুইটা কে ভ্যালু অছি কে ওয়ান অ্যান্ড কে টু প্রথম ডিসোসিয়েশনটা রিলেটিভলি বহুত অধিকা মানে টেন টু দ মাইনস সেভেন রেঞ্জ রে কিন্তু দ্বিতীয় ডিসোসিয়েসনটা বহুত কম কারণ গোটে নেগেটিভ আয়ন রু আগে পজিটিভ আয়ন যা বহুত কষ্ট তেমন সেকেন্ড ডিসোসিয়েসন কনস্ট্যান্টটা মচ লেস দ্যান দি ফার্স্ট ডিসোসিয়েসন তেমন এটি চালাকি কাম করা ডাইবেসিক উইক এসিড্র আমি এচ প্লস আয়ন কনসেনট্রেসনটা প্রথম ডিসোসিয়েসন রু বাহার করা যায় প্রথম ডিসোসিয়েসন তুলনায় দ্বিতীয় ডিসোসিয়েসনটাকে নেগলেক্ট করা যায় একে তো সহজে দুর্বল জন্মরু সে দুর্বল তা দ্বিতীয় ডিসোসিয়েসনটা আহুরি দুর্বল তেমন সেটা নেগলেক্ট করা যায় সেইটু এইটা যেমি আমি মনোপ্রোটিক বাহার কলে কে ওয়ান ডেটা কু ইউজ করি সেই এক্স স্কোয়ার বাই এ মেথডে যেমি আমি কলে সেমতি বাহার করা যায় মু গোটে করেছি তুমি বাহার কর পিএচ অফ পয়েন্ট ওয়ান এম কার্বোনিক এসিড কে ভ্যালুর ডাটা দুইটা যাক দিয়া হয়েছি তোমাকে চালাকি বতাইলে যে কে টু কু ইগনোর কর কে ওয়ান কু কেবল নিও সেটা কু নেইছি সেই এক্স এক্স এটি পয়েন্ট ওয়ান মাইনস এক্স এই পয়েন্ট ওয়ান মাইনস এক্স টা কু তলে মু নেগলেক্ট কলি নকলে মো কোয়াড্রাটিক ইকুয়েসন করিবাকু পড়িথান্তা কিছু লাভ হই নথান্তা বিশেষ এবং করিকি এক্স র ভ্যালু বাহারলা কেতে না এতিকি এবং মাইনস লক করিদেলে তার পিএচ বাহারলা 3.684 রাইট তো সবু ডিপেন্ড করুছি কে উপরে তো ফর্মুলাটা শর্টকট ফর্মুলা হচ্ছে কে ইনটু সি মানে মোলারিটি র স্কোয়ার রুট ডাইবেসিক এসিড কি ট্রাইবেসিক হলে তার কে ওয়ানটা নব মনোবেসিক এসিডর তো গোটিয়ে কে আউ রাইট বর্তমান আমি প্র্যাকটিস কোশ্চেন আসবা পূর্ব দুর্বল ক্ষার কথাটা উঠিনি এ পর্যন্ত দুর্বল ক্ষার কি এক্সাম্পল কোণ না আমোনিয়া আউ অর্গানিক র বেস অছি সেটা দুর্বল কাহিঁকি না ওএচ মাইনস আয়ন ইন গোটে কথা আমি পড়িবা আধুনিক তত্ত্বরে সে এনএওএচ কি কেওএচটা আকচুয়ালি বেস কোণ পাই না ওএচ মাইনস আয়ন পাই তেমন আমি বেরিয়ম হাইড্রক্স আমি অন্য হাইড্রক্সাইড মানুষ উইক বেস বলে ব্রান্ড করিছে কাহিঁকি না তাঁর সলুবিলিটি কম বলে কিন্তু ওএচ মাইনস আয়ন যেত বাহার সেটা গোটে স্ট্রং বেস তেমন তাকে আমি এই ফর্মুলার পকাই পারা না রাইট আমি উইক বেস আকচুয়ালি উইক বেস কোণ সেটা আধুনিক তত্ত্ব কহিব আমোনিয়া গোটে এক্সাম্পল সে ধর মু গোটে কহিলি বিওএচ হচ্ছে জেনেরাল ফর্মুলা আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিটা হল আমোনিয়াম আয়ন ওএচ সে তাহার বিযোজন হব হল যেমি এসিড্র বিযোজন স্মল বিযোজন সেমি বেস্র স্মল বিযোজন নট লাইক এনএওএচ 100% নুহে তো তাহার বেস ডিসোসিয়েসন কনস্ট্যান্ট অছি আর যেমি এসিড ডিসোসিয়েসন কনস্ট্যান্ট সেমি বেস বিযোজনাঙ্ক অছি এক্সাক্টলি একা ভাবিয়া কে বি তা কুহতি ইজ ইকুয়াল টু দিস ইনটু দিস বাই দিস এবং ধর এক্সাম্পল হচ্ছে আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড্র কেবি কেতে কম দেখ 10^-5 রেঞ্জে আসছে তেমন আগে পিকে বি করেদেলে মাইনস লগ অফ দিস উইল বি যেমি পিকে সেমি পিকে বি পিকে বি ভ্যালু যেতে অধিকা অধিকা হব সেতে দুর্বল দুর্বল হব রাইট আর যেতে অধিকা অধিকা হব মানে যেতে কম কম হব পজিটিভ ভ্যালু যেতে কম কম হব সেতে স্ট্রঙ্গর রিলেটিভলি লেস দুর্বল বা স্ট্রঙ্গর হব হল সো আমি আউ তা ভিতরক পশিবানি কারণ এনএওএচ ফাইনস কথা পড়িবানি কারণ আকচুয়ালি ওএচ মাইনস আয়ন তা ভিতরে যে অছি এনএওএচ রে কেওএচ রে ইভেন বেরিয়ম হাইড্রোক্সাইড সেইটা হি স্ট্রং বেস অ্যাকর্ডিং টু মডর্ন থিওরি রাইট আমি পড়িবা মডর্ন থিওরি পরে তো বর্তমান চাল মু পচারিবি যদি আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড 0.01 এম র পিএচ কেতে তার কেবি ভ্যালু মু দেইছি দেই দেইছি তো বর্তমান পুনি সেমতি করিবা এক্স ইনটু এক্স বাই সি মাইনস এক্স সি মাইনস এক্স সো এইটাকে আমি নেগলেক্ট করা সমুদ্রক এটা শঙ্খ এটা সমুদ্র করিকি এক্সর স্কোয়ার বাই বেস্র কনসেনট্রেসন তেমন ওএচ মাইনস আয়ন এটি ওএচ মাইনস সেটি যেমি এক্স হয়েছিল এটি এচ প্লস এটি এক্স এক্স এটা হচ্ছে ওএচ মাইনস আয়ন কনসেনট্রেসনটা হচ্ছে এচ সেটা বাহারি গলা এটি সো ওএচ মাইনস আয়ন কনসেনট্রেসন হচ্ছে কেবি ইনটু বেস্র কনসেনট্রেসন র স্কোয়ার রুট না স্কোয়ার অছি এটি স্কোয়ার রুট তা মানে মনে রখ উইক বেস পাই বাহার করিব ওএচ মাইনস আয়ন কনসেনট্রেসন বাহার কেবি ইনটু মোলারিটি অফ দি উইক বেস্র স্কোয়ার রুট ভাল্লা মানে আগ পিওএচ বাহার করেদেলে ওএচ মাইনস মানে পিওএচ বাহারলা 3.37 14 মাইনস করেদেলে পিএচ বাহারলা ডেফিনেটলি 7 অধিকা হব
बेसिक सल्यूसन हम बाहर ला। सो ए मेथड रे आमे वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो बाहर कर परिबा। तो आमे जत्ते मैक्सिमम इनफॉरमेशन बुझिला बलिया मु चेष्टा कली एठी परिवेशन करबा को होप मु निश्चित भाव रे आशा करू छी करि सारि छी जे तुमे बुझी पारथिबो एवं ए प्रैक्टिस क्वेश्चन उडा निश्चय करबो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमे तो यार स्टडी मटेरियल बा जो कंटेंट्स मु यही पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज करछि से गुड़ाक तुम्हें पाइज तुम्हें डाउनलोड करके रख अल्प किसी सल्यूशन तार सल्यूशन भी करें सल्यूशन देखनी निजे करके किसी भूल भटका मोर थी रही थोड़े तुम मत दर्शेब जनइब बाय।